वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी ने अभी हाल फिलहाल में आज ही 13/2/2020 यानी कि आज की तारीख में हमें जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट निकाली है अपने एसएससी के रिजल्ट्स की। तो काफी लंबे समय से बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो नाउ आई हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। एसएससी ने जवाब दे दिया है तो एसएससी के थ्रू ही हम आपको बताने वाले हैं। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट्स की डेट है वो इन्होंने यहां पर दे दी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो डेट है वो है आपकी 20/2/2020 यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फाइनल रिजल्ट आएगा 20/2/2020 को। इसके बाद में दूसरा इन्होंने दिया है सीएचएसएल 2019। सीएचएसएल 2019 का जो पेपर टू यानी कि टीयर टू डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो 25/2/2020 को आ जाएगा यानी कि 25 फरवरी को आ जाएगा। इन्होंने 2019 लिख दिया है, यहां पर 2018 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, मतलब एसएससी भी खुद कंफ्यूज हो चुकी है। यहां पर 2018 हो जाएगा और ये रिजल्ट आपका 25 फरवरी को आएगा, तो ये याद रखिएगा। स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट 2018 का स्किल टेस्ट हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो 6/3/2020 को आ जाएगा यानी कि 6 मार्च को आएगा इसका रिजल्ट। जूनियर इंजीनियर सी का जो आपका पेपर हुआ इसका जो रिजल्ट है पेपर टू का, इसका रिजल्ट आएगा 9/4/2020 यानी कि 9 अप्रैल को आएगा। और एमटीएस का जो पेपर टू है, आप सभी को पता है एमटीएस नॉन टेक स्टाफ का जो पेपर टू है वो 30/4/2020 को आएगा। यानी कि आप में से कई लोगों का सवाल था सर एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, तो एमटीएस का रिजल्ट इन्होंने 30 अप्रैल कर दिया है यानी कि काफी ज्यादा लेट, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इतना तो कोई पॉइंट नहीं था। 3-4 महीने पता नहीं ऐसा क्या रिजल्ट निकालेंगे ये। इसके बाद में आपका सीजीएल टीयर थ्री का पेपर जो हुआ था आपका सीजीएल 2018 का, ये 8/5/2020 को आएगा यानी कि 8 मई को आएगा। तो तब तक तो सारे जितने भी 2018 वाले हैं तो सारे बच्चे 2019 देने वाले हैं क्योंकि इतना लंबा ये टाइम लेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चे क्या करेंगे, चुप बैठे बैठे पेपर ही देंगे, तो कुछ तो उन्हें करना ही है। ठीक है, तो लेट्स आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा रिजल्ट कब आएगा, तो आई थिंक आप सभी को पता चल गया है कि आपके रिजल्ट कब तक आएंगे। आप में से कई लोगों का सवाल था कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो अभी पता चल गया सीएचएसएल का रिजल्ट है 25 फरवरी को और आपका एमटीएस का रिजल्ट है 30 अप्रैल को और आपका सीजीएल का रिजल्ट है आपका 8/5/2020 को। और इसके अलावा सीपीओ का रिजल्ट अभी इन्हें आना है, तो सीपीओ का रिजल्ट आपका 14 फरवरी को आ रहा है। ठीक है, सीपीओ वाला भी आप देख सकते हो, सीपीओ का रिजल्ट आपका 14 फरवरी यानी कि कल आपका आ सकता है। चलिए, तो वी विल कीप इट हियर। और अगर आपने अनअकैडमी प्लस पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हो जो कि है मेरा AMANT। ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज में आप सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको दिख रहे हैं इन सभी की क्लासेस आप 12 महीने तक 5400 में मिल जाएंगी। आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, डाउट सेशन देख सकते हो, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, वीडियोज डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन मोड में और साथ ही साथ सारी PDFs डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जितने भी अनअकैडमी जितने भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी में आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर मैं डेली आपको रात में 10 बजे लाइव आता हूं और उसमें हम लोग इंग्लिश के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो 10 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं और उसमें हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मैं प्लेलिस्ट आपको पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को के लिए का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।